हेलो, गुड म॑र्निंग दोस्तों। 5 जुलाई 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू, पीआईबी और न्यूज ऑन एआर की जो इम्पोर्टेंट न्यूज है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं आज के हमारे डिस्कशन पे। सबसे पहले जो न्यूज आई है वो आई है ग्लोबल मोबिलिटी मिशन सबमिट के बारे में। तो ग्लोबल मोबिलिटी सबमिट क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं। देखो, नीति आयोग है वो डिफरेंट मिनिस्ट्री और जो इंडस्ट्रीज पार्टनर्स हैं उनकी हेल्प से इसको स्टार्ट है या उसकी हेल्प से उन्होंने शुरुआत है वो की है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है एग्जाम में। जैसे यूपीएससी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ओनली बाई नीति आयोग, तो भैया ओनली बाई नीति आयोग यहाँ पे नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। न्यू दिल्ली में हो रहा है, ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। अब क्या इस सबमिट में होगा, क्या वो चीजें हम एक बार थोड़ा देख लेते हैं। देखो, यह एक तरीके का पहला सबमिट है इस टाइप का। इसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट डिफरेंट मिनिस्ट्री को इनवाइट कर रही है, इसके साथ जो इंडस्ट्रीज हैं प्राइवेट वो भी यहाँ पे आ रही हैं, एनजीओ वगैरह भी आ रहे हैं, थिंक टैंक भी आ रहे हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूट भी आ रहे हैं, सिविल सोसाइटीज भी आ रही है। मतलब काफी सारे जो अलग अलग स्टेक होल्डर हैं वो यहाँ पे आएंगे और आपस में गवर्नमेंट उनको बताएगी कि देखो भाई, हमने ये स्कीम चला रखी है, आप इनमें अपना ये कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कर सकते हो, तो इससे आपको भी फायदा होगा और ऑल ओवर हमें सबको बेनिफिट है वो होने वाला है। जैसे कि गवर्नमेंट, आपको एग्जाम्पल बताऊँ कि इलेक्ट्रिफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट है, व्हीकल इलेक्ट्रिफिकेशन, तो उसमें डिफरेंट मिनिस्ट्री हैं वो आएंगी एक साथ, या फिर आप बोल सकते हो कि जो थिंक टैंक वगैरह है वो अपने आइडियाज वगैरह देंगे कि भी ऐसे ऐसे आपके पास स्कोप है। तो गवर्नमेंट के जो भी लंबे लंबे गोल रखे गए ना, उनमें काफी हेल्प है वो मिलेगी। इसके साथ जैसे रिन्यूएबल एनर्जी है, उसको प्रमोट करना है तो उसके लिए कैसे जो ग्रोथ क्रिएट की जा सकती है, क्या क्या उसके बेनिफिट हो सकते हैं, वो सारे यहाँ पे डिस्कस है वो किए जाएंगे। तो आप एक तरीके से कह सकते हो कि गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स वगैरह हैं, जो भी गवर्नमेंट के टारगेट रखे गए हैं, उनको अच्छा रिजल्ट मिल सके, इसके लिए एक तरीके का सबमिट आयोजित किया गया है, जिसमें डिफरेंट इंडस्ट्री वगैरह है, जो एसओचएम वगैरह है, वो सब यहाँ पे आके मिलके आपस में बातचीत वगैरह करेंगी ताकि एक प्रॉपर सॉल्यूशन निकाला जा सके। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि भाई नीति आयोग और डिफरेंट मिनिस्ट्री और इंडस्ट्री पार्टनर्स की हेल्प से। नेक्स्ट जो न्यूज आई है वो आई है पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में। तो आप इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो इंपॉर्टेंट होती है लोकेशन और कौन सी रिवर है। तो देखो, आंध्र प्रदेश में गोदावरी रिवर फ्लो करती है, उस वाले एरिया में ये पोलावरम प्रोजेक्ट है, यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो इससे आप ये बोल सकते हो कि नॉर्मली जो ईस्टर्न आंध्र प्रदेश है उस वाले हिस्से में थोड़ा सा छत्तीसगढ़ का हिस्सा भी आ रहा है और कुछ उड़ीसा का हिस्सा आ रहा है, इन वाले एरिया को यहाँ पे बेनिफिट है वो होने वाला। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि देखो, उड़ीसा का भी थोड़ा बहुत हिस्सा इसमें इंक्लूड है, बट मैक्सिमम जो हिस्सा है पोलावरम प्रोजेक्ट का बेनिफिट वाला वो मिलने वाला है आंध्र प्रदेश को। तो ये देख ले, गोदावरी रिवर पे प्रोजेक्ट है, लोकेशन हमने यहाँ पे देख ली है। अब चलते हैं आगे कंटेक्स्ट की तरफ। कंटेक्स्ट ये है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट है वो भेजी है। अब आप बोल सकते हो कि प्रेसिडेंट के पास कि भैया आप इस रिपोर्ट को देखिए, हमें थोड़ा आपत्ति है कि ये जो पोलावरम प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट की वजह से जो ट्राइबल एरिया है उनके राइट्स वगैरह है उनको थोड़ी दिक्कत है वो आ रही है। तो इस चीज़ को लेकर उन्होंने अपनी रिपोर्ट है वो भेजी है। तो हमारे लिए एक तो पोलावरम प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्या है पोलावरम प्रोजेक्ट, वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब हम देखते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। देखो, यह सबसे पहली बात यह है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यहाँ पे हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आर्टिकल 338 है, उसके तहत इसका प्रावधान है वो किया गया है। अब देखो, आर्टिकल 338 के तहत पहले दो चीजें थी, एक तो थी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। फिर क्या किया गया था, इसमें अमेंडमेंट किया गया था 2003 में, और उस टाइम पे कर दिया गया कि शेड्यूल कास्ट के लिए अलग से कमीशन बना दिया गया और शेड्यूल ट्राइब के लिए अलग से कमीशन। पहले ये कमीशन केवल एक ही था, तो उसके बाद में आर्टिकल 338A और 338B इस तरीके से इसको अलग अलग है वो कर दिया गया था। 89वां संविधान संशोधन था 2003 में। तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब बात ऐसी है कि इसमें क्या पावर होती है वो भी देखते हैं। चेयरपर्सन की सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। देखो, इसके एक चेयरपर्सन होते हैं और वाइस चेयरमैन होते हैं, ठीक है। 3-3 साल का इनका टाइम पीरियड है वो होता है। तो ये चीज़ तो टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि टेन्योर कितना है। तो 3 इयर्स की बात यहाँ पे आ गई है। इसके बाद में इनकी जो रैंकिंग का क्वेश्चन भी बन सकता है। तो इनके जो चेयरपर्सन आप बोल सकते हो, इनके चेयरपर्सन की जो रैंकिंग है वो यूनियन कैबिनेट जो मिनिस्टर होते हैं उनके लेवल की होती है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखें, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। इसके बाद में बात करें हम यहाँ पे पावर की, तो पावर का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे है कि देखो, इनके पास मॉनिटरिंग की पावर होती है, सेफ गार्ड वगैरह वो तैयार करती हैं कि कहीं शेड्यूल ट्राइब हैं उनके अगर किसी भी राइट वगैरह का वॉयलेशन हो रहा है तो ये सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं डायरेक्टली, या फिर उनके लिए गवर्नमेंट के खिलाफ जो भी एक्शन वगैरह लेनी है उन सब के लिए लॉ वगैरह को चेंजेस करवाने की बात है वो वहाँ पे रख सकते हैं अपनी। तो आप एक तरीके से कह सकते हो कि शेड्यूल ट्राइब है उसके लिए ऑथोराइज इंक्वायरी वगैरह करने हो तो वो सारा काम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के द्वारा किया जाता है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके साथ ही शेड्यूल ट्राइब का डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए भी जो भी गाइडलाइन वगैरह हैं उन सबको वेरीफाई रिपोर्ट वगैरह तैयार करना, ये सारे काम इसके द्वारा किए जाते हैं। और ये जो अपनी रिपोर्ट है वो आपको ध्यान रखना, प्रेसिडेंट साहब को सबमिट करते हैं एनुअली, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पे बन जाता है। तो ये थी इसके बारे में जो बेसिक चीज़ें जो हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। अगली जो न्यूज़ आई है वो आई है पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसे देख लेते हैं PCI के बारे में। एक सेकेंड, पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया है ये। सबसे पहले आपको बता दूं कि एक
आप बोल सकते हो एक तरह की एजेंसी है। 2013 में इसको बनाया गया था IAMEI के अंदर। क्या है IAMEI, इसको देख लेते हैं। यह है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो आप कह सकते हो कि इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उसके तहत 2013 में पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया को बनाया गया था। एक तरीके की अपेक्स बॉडी है जो क्या काम करती है, इसका काम यह है कि देखो ऑनलाइन जो पेमेंट वगैरह होते हैं ना, उनको एक तरीके से स्टेटमेंट वगैरह तैयार करना और उन सबको रेगुलेट करने का काम इसके द्वारा किए जाते हैं। देखो गवर्नमेंट क्या कर रही है, 2013 से गवर्नमेंट ये प्रावधान लेके आई है कि भाई डिजिटल पेमेंट है उसको बढ़ाया जा सके, और अभी जो हमारी रिसेंट गवर्नमेंट है वो भी डिजिटल पेमेंट को लगातार प्रमोट कर रही है, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है। इसका जो मेन गोल था पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया का, वो ये रखा गया था कि भैया कैश सबसे कम कैरी करना है हमें, और जो जितना भी कैशलेस सोसाइटी वो हमें क्रिएट करनी है, मतलब फालतू का कैश हमें कैरी नहीं करना है, सारे काम हमें डिजिटल करना है। तो आप एक तरीके से कह सकते हो कि जो डिजिटल पेमेंट इंडस्ट्री है उसकी एक तरीके से हेड है पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया। डिजिटल पेमेंट करना तो उसके लिए पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया की काफी जरूरत होती है, और जो पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया है यह आरबीआई के साथ और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट वगैरह हैं उनके साथ मिलकर काम करती है। क्योंकि देखो कैश वगैरह का काम आ गया तो ऑब्वियसली कैशलेस हो जाए, कैश की बात बोला मतलब पैसों का जहां पे काम आ गया तो ऑब्वियसली बिना आरबीआई की गाइडलाइंस वगैरह के तो काम कर नहीं सकती, तो इसलिए उसके साथ मिलकर से काम करना होता है। तो ये आपको ध्यान रखने की अपेक्स बॉडी है, स्टेचुरी वगैरह क्या है वो चीज ध्यान में इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। अगली बात यह आती है कि इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया वो क्या है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है वो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि डिजिटल बिजनेसमैन है उनको प्रमोट करने के लिए, मतलब ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन किए जाते हैं ना, जैसे कि हम कहीं भी डेबिट कार्ड वगैरह का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं, नेट बैंकिंग वगैरह, ये सब ये सारे इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की हेल्प से ही किए जाते हैं। ये एक एक ग्रुप है, एक आप बोल सकते हो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत एक बॉडी है वो बनाया गया, एक एसोसिएशन है वो बनाया गया जो कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह उनको डन करता है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे थोड़ी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो न्यूज़ आई है हमारी वो आई है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के बारे में। तो इसको बारे में हम देखते हैं KVIC के बारे में। देखो कंटेक्स्ट ये है कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है, उन्होंने अभी एक अपना नया प्रोग्राम आप बोल सकते हो कि एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसका नाम है खादी इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम KIMIS। अब इसका काम क्या होगा वो देख लेते हैं। देखो यह एक तरह का ई मार्केटिंग सिस्टम है, मतलब जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है ना वो क्या करेगी, ऑनलाइन ही मार्केट प्लेस तैयार कर रही है, जैसे कि मंत्रा वगैरह इस तरह की ऑनलाइन पोर्टल उन्होंने बनाया है जो कि वहाँ से सेल वगैरह करेगी, और वहाँ से कोई चीज़ परचेज करनी हो तो एक पोर्टल के थ्रू की जाएंगी। तो ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन का एक इनिशिएटिव है, वो आपको ध्यान रखना है कि KIMIS क्या है। अब बात करते हैं हम खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन की, जो कि एक स्टेचुरी बॉडी है, पार्लियामेंट का एक्ट है 1956 उसके तहत इसको बनाया गया है। मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाती है, तो मिनिस्ट्री है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज मिनिस्ट्री है, उसके अंदर ये आती है, उसके अंदर गाइडलाइन के अकॉर्डिंग काम करती है। काम क्या है इसका, इसका काम यह है कि एक तो प्लान वगैरह क्रिएट करना, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम वगैरह आ रही है खादी विलेज से रिलेटेड उनको प्रमोट करना, इसके साथ एक स्फूर्ति स्कीम थी उसमें भी काफ़ी अहम रोल था और उसकी नोडल एजेंसी थी KVIC, आपको ध्यान रखना है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि स्फूर्ति स्कीम थी किस लिए, क्योंकि इसके बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कस किया, तो ये आपके लिए आज का होमवर्क है। अब आगे देखते हैं कि और क्या है, जैसे कोई भी स्कीम वगैरह है तो गवर्नमेंट को रूरल एरिया में तो उसको ऑर्गेनाइज वगैरह करना या फिर उसको फैसिलिटी वगैरह है वो सारे काम इसके द्वारा किए जाते हैं। मिनिस्ट्री थोड़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो वो हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद हमने डिस्कस कर लिया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, चेयरपर्सन रिपोर्ट वगैरह हमने देख ली है, क्या क्या सारे जो बेसिक फीचर्स थे हमने देख लिए कि सागर जो पोलावरम प्रोजेक्ट था उसका इश्यू चल रहा था, ये चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। गोदावरी रिवर है और बेनिफिट है वो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा तीनों को हो रहा है। इरिगेशन है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनेंगे, ड्रिंकिंग वाटर है, वो सब फैसिलिटी यहाँ पे मिलने वाली है, तो उसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस है वो कर लिया है। अगली जो न्यूज आई है वो आई है UNMOGIP के बारे में। क्या है UNMOGIP ये देख लेते हैं। UN मिलिट्री, यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा भाई इंडिया एंड पाकिस्तान की बात हो रही है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बात है। कंटेक्स्ट ये है कि अभी UNMOGIP ना इसके जो सेक्रेटरी है वो हेड है वो बनाए गए हैं UN सेक्रेटरी जनरल है ना एंटोनियो साहब, उनको बनाया गया है यहाँ पे। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, कंटेक्स्ट बस। अब बात आगे करते हैं इस बॉडी के बारे में, क्या ये ग्रुप है, बॉडी है जो भी क्या काम करती है। देखो ये एक तरीके से आपको बताऊँ, हम जब भी जम्मू एंड कश्मीर का इश्यू आता 1949 के टाइम पे, भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम पे, तो उस दौरान आपको पता है कि ये मुद्दा चला गया था UN के अंदर, क्योंकि हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री साहब थे जवाहरलाल नेहरू वो इस मुद्दे को लेके गए थे UN में, और वहाँ पे इसका ये रिसोल्यूशन निकाला गया जम्मू एंड कश्मीर का कि भाई जम्मू एंड कश्मीर वो डिस्प्यूटेड इश्यू है, तो उसको उस टाइम पे कहा कि बाद में जैसे भी ये सोल्व किया जाएगा, तो उस दौरान इसलिए ये चीज़ बनाई गई थी, या बोल सकते हो बॉडी है एक तरीके से बनाई गई थी, ये ग्रुप बनाया गया था जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान।
तो अब आपको कंटेक्स्ट समझ में आ गया होगा। एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि ओल्डेस्ट मिशन है यूएन का, सबसे पुराना नहीं है, ओल्डेस्ट मिशन है यूएन का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब न्यूज में इसलिए है, देखो आजकल आपको पता है कि डेली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर का लगातार उल्लंघन हो रहा है, और ये जो ग्रुप या ये बनाया गया था ये मिशन, इसका मेन मोटिव ये था कि भाई सीज फायर की वजह से दोनों को शांति स्थापित की जा सके और इसको टाइम टू टाइम मॉनिटर किया जा सके, और उसी बात का लगातार उल्लंघन हो रहा है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इसको भी, इसके जो हेड हैं उनको भी चेंज किया गया, ताकि सीज फायर के बारे में मॉनिटर वगैरह की जा सके कि भाई हालात इतने खराब क्यों हो रहे हैं, क्या इश्यूज वगैरह हैं, तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि है क्या। इसके बाद में बात करें इंडिया का स्टैंड क्या है, देखो इंडिया ने 1972 में शिमला एग्रीमेंट साइन किया था पाकिस्तान के साथ, और उसमें एक चीज क्लियर प्रावधान किया गया था कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों मिल बांट के इसका सोल्यूशन करेंगे, किसी थर्ड पार्टी को यहाँ पे इन्वॉल्व है वो नहीं किया जाएगा। तो ये इसका आपको ध्यान रखना है कि शिमला एग्रीमेंट के तहत ये बातें की गई थी कि थर्ड पार्टी इसमें कोई भी अंगुली नहीं करेगी, दोनों स्टेट हैं वो अपनी मिल बैठ के अपने इश्यू का समाधान है वो करेंगे। अगली जो न्यूज आई है वो आई सी सी वी गिल के बारे में, सी वी आई जी आई एल है क्या, ये एप्लीकेशन है, ये आपको ध्यान रखना है। सी वी गिल है ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा बनाया गया है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। काम क्या है इसका, इसका काम ये है कि देखो जहाँ पे भी इलेक्शन होने टाइम पे जो इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, तो उस दौरान अगर कोई भी वहाँ पे जो प्रचारक वगैरह है, अगर वो टाइम होने के बाद भी प्रचार वगैरह कर रहा है, कोई भी रूल को तरीके से फॉलो नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में कोई भी आम आदमी है, कोई भी इंसान है, वो वहाँ एक तरीके से उसके बारे में आप बोल सकते हो कि शिकायत है, कंप्लेन है, रिपोर्ट है, वो दर्ज करवा सकते हैं इस एप्लीकेशन की हेल्प से, और फिर डायरेक्टली वो रिपोर्ट या वो इश्यूज वगैरह है वो इलेक्शन कमीशन को पता चल जाएगा। तो उसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन बनाया गया है। फिर देखो आपको पता है कई बार काफी वायलेंस होता है उस दौरान, तो वो रिपोर्ट डायरेक्टली अगर इलेक्शन कमीशन के पास पहुंचेगी तो उसको तुरंत संज्ञान में लिया जाएगा। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में तो इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।